लेट्स बिगिन। आज हम लोग जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। दैट मींस इफ वी वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से इसके रिक्वायरमेंट है जो भी चाहिए। सबसे पहले तो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, लैंड मीन्स व्हाट, हमें खेती करनी है या कोई भी प्रोडक्शन करना है, फॉर दैट वी नीड टू हैव लैंड, जमीन की जरूरत है। अगर हम पोएट्री फॉर्म खोलना चाहते हैं, फिशिंग कल्चर करना चाहते हैं, फॉर डूइंग एनीथिंग वी नीड टू हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन से नहीं, जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, या फिर जो हमें फॉरेस्ट्री चाहिए, एक प्रॉपर एटमोसफेयर चाहिए, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैंड। ओके, कि वो हमारे लैंड की रिक्वायरमेंट है। कि अगर मान लीजिए हम कोई फार्म हाउस खोलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम लार्ज प्रोडक्शन करना चाहते हैं सनफ्लावर्स का, कि हम सनफ्लावर्स का की खेती बाड़ी करेंगे और वो जो सनफ्लावर हुआ वो एज अ रॉ मटेरियल हम लोग अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करेंगे और हम उसका तेल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ी, तो हमने अपने पीस ऑफ लैंड खरीद लिया। सेकेंड चाहिए हमें लेबर, जमीन पे काम करने के लिए या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ही काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए। खुद ब खुद मशीनें तो काम करने नहीं लगेंगी, तो उसके लिए लेबर चाहिए। अब लेबर भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा स्किल्ड लेबर, जो व्हाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं वो करने के लिए, और एक हो जाएगा हमारा अनस्किल्ड लेबर, जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब कहेंगे करने के लिए। अनस्किल्ड में क्या है कि जो पर्सन है, द पर्सन हु आर नॉट सो मच एजुकेटेड बट दे आर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड इनफ। अगर हम उनको एक्टिविटीज किस तरह से, ये हमारी मशीन है ऐसे वर्कआउट करेगी, हमने उसको बता दिया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी 6 से 5 महीने की, सो दे आर ट्रेन एंड स्किल्ड एनफ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रेन्ड अनस्किल्ड लेबर्स में। ओके, उसके बाद हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल मीन्स व्हाट, कि अगर हम लैंड लेना चाहते हैं, लेबर को लेना चाहते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ कैपिटल, हमें पूंजी निवेश करनी पड़ेगी, कैपिटल हमारा रिक्वायरमेंट है। अब हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे? सपोज हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, वी आर नॉट हैविंग मच ऑफ द कैपिटल, तो उसका हम अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास जो घर में अवेलेबल चीज है, वी आर गोइंग टू अरेंज मनी फ्रॉम इट। उसके बाद हम अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से पैसा ले सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से ले सकते हैं, और अगर वहां से भी हमें कुछ मिला, समथिंग वी हैव गॉट मनी, अगर, और उसके बाद हमारा आता है बैंक से, हम आउटसोर्स में जाते हैं, बैंक से लेते पैसा। तो हमारे गवर्नमेंट भी कई तरह की स्कीम चलाती है, जैसे नाबार्ड है जो स्पेसिफिकली बना हुआ है कि हमारे जो ऐसे फार्मर्स होते हैं, उनको जो अपना काम करना चाहते हैं, छोटे से कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो द इंडियन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द लोन ऑन इजियर रेट, लोअर रेट पे उनको लोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी आजकल देखे होंगे, मैसेज के डायरेक्ट में आते हैं बीच बीच में, कि हमें बहुत ही कम ब्याज दर पे हमें लोन मिल जाएगा, उनका कार्ड अलग बन जाता है किसानों का, कि हमें खेती बाड़ी रखी है, तो अगर कभी कभी फसलें भी खराब हो जाती है तो उनका लोन भी माफ कर दिया जाता है बहुत ही इजिली में। अगर किसी को ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, या लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो ऐसे पर्पज के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोन वगैरह भी गवर्नमेंट पे इजी रेट पे मिल जाता है, तो हमारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी दो तरह की होती है, एक होता है हमारा फिक्स्ड, या फिर इसको हम फिजिकल कह सकते हैं। फिक्स्ड मतलब एक बार हमने एक पैसा लगा दिया, तो वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, हमें बार बार भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लैंड, हमने एक बार जमीन खरीद ली तो वो हमारे पास फिक्स्ड हो गई, इट इज आवर जमीन, इट इज आवर लैंड फॉर अ इयर्स नाउ। इफ वी वॉन्ट टू डू द प्रोडक्शन ऑफ wheat, we can grow. If we want to open a poultry farm, we can grow. If we want to start a pisciculture on it, we can do it. So it is our fixed capital, fine? So it is fixed for years now. This is a machinery. Machine, once we have purchased, it will be there for us for years now. So what is happening? The thing is there for us. We have used it. एक बार हमने उसमें पैसे invest कर दिए, so that will be thing. That thing will be for us for many years, and it is our fixed asset. नाउ सेकेंड वर्ड के सेकेंड वर्ड इज वर्किंग। वर्किंग मतलब जो काम करती रहती है, चेंज करना, जैसे कि हमने प्रोडक्शन करने के लिए सीड्स की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट है, आज हमने उसको पैसा लगाया लेकिन कल भी हमें उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, मैन्यूअल है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब हमें टाइम टू टाइम वी नीड टू
use this, we need to use it as a main ingredient for our agriculture production. तो ये क्या है, हमें बार बार इस चीज का प्रोडक्शन करना है. जैसे कि हमने सपोज एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेट करती हुई, तो हमें क्या है उसके लिए हमें किसके लिए डिपेंडेंट होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, हमारे पास जो छोटे मोटे मजदूर है काम कर रहे हैं खेतों में या कहीं भी, हमें उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा. तो ये हमारे चेंज होती रहती, जो वेजेस होती है, जो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, दैट वी कैन से दैट आर नोन एज वर्किंग कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जैसे कि हमारा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है. लैंड भी जमीन खुद से खुद अपना काम तो करेंगे नहीं, जब तक हमारे पास जमीन है हमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू कल्टीवेट वट एवर वी वॉन्ट टू कल्टीवेट ऑन इट. लेबर की हमें उसको पॉलिश करना पड़ता है, बार बार की हमको ट्रेन करना पड़े, अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड है, बोथ ऑफ इट हमें उनको ट्रेन अप करना पड़ता है कि भाई इस तरह से मशीन का प्रोडक्शन है, आपकी वर्किंग आ सकती होगी, उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है. दैट्स व्हाई कहते हैं कि लेबर जो होता है दैट इज द मोस्ट वी कैन से दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एज वेल एज लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. हाउ, एसेट ऐसे है, एसेट मतलब ऐसी संपत्ति जो जिसके रहने से आपके पॉकेट में पैसे आते हैं, ठीक है. तो अगर हमारे पास फैक्ट्री है या फिर हमारी जो फार्म है उसमें हमने ऐसा काम कर रखा है कि हमारे फार्मर्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि वो हमारे लिए एसेट का काम कर रहे हैं कि उनके रहने से हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो हमारे एसेट हुए. अगर वो लायबिलिटी का मतलब कि बिल्कुल वो कोई काम चोरी कर रहा है, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहा है, तो दैट इज एक्टिंग एज अ लायबिलिटी फॉर अस. सो वी कैन से द सेम पर्सन, द सेम ह्यूमन कैपिटल कैन एक्ट एज अ एसेट एज वेल एज फॉर द लायबिलिटी आल्सो. तो हाउ वी नीड टू परफॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक, एन इम्पॉर्टेंट कलेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि हमारा जो काम है वो भी अच्छे से हो जाए और हमारे जो मजदूर है, जो हमारे किसान है, वो भी संतुष्ट रहे, हैप्पी रहे, सो दैट दे कैन वर्क मोर एंड मोर फॉर देयर एनर्जी एंड प्रोडक्शन. एक हमारे पास कैपिटल हो गया. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इन सारी तीनों चीजों पे काम करता है, ठीक है. चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल का काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट हिज हार्ट माइंड एंड सोल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द थ्री अबव थ्री लिस्टेड एक्टिविटीज. जो सारी चीजों को अपना दिमाग, हार्ट, माइंड, सोल सब कुछ लगा देता है कि मैं अपने काम को किस तरह से अच्छे ढंग से कर सकूं, दैट इज दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. ओके, तो ये हमारे कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू हमारा काम चलता रहता है, ठीक है. तो हम लोग ये जाना कि किस तरह से फार्मिंग होती है, क्या क्या सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और वो सारी चीजें, जिस तरह से काम होता है, सीजन टू सीजन हमारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती होती है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री में 1960s के दौरान में आया था. उस दौरान क्या हुआ था कि जो हमारा, एज वी ऑल नो, जब हम लोग आजाद हुए थे इन द टाइम ऑफ 1947 के करीब, हम लोग की जो कंडीशन थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, बहुत ही वियर्ड कंडीशन थी. ऑलरेडी वी वर जस्ट रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, वी डोंट हैव मच विद आवर इनकम, बट स्लोली एंड स्टडीली वी हैव कॉन्कर्ड अ लॉट. ओके, वी हैव डन अ लॉट इन दिस फील्ड. सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, इन द ईयर 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन हैज केम, उसमें क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट ईयर जो प्लान भी बना था इन द ईयर 1951, उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हम अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, कि हमें किसी भी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहने की हमें कंडीशन ना पड़े. तो उसमें क्या हुआ कि जब हम इसकी बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की गई कि जो हमारे HYV है, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हम इस्तेमाल करेंगे. जो हम सीड इस्तेमाल करते थे पहले वो इतनी हाई क्वालिटीज की नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू काम करना स्टार्ट किया तो हमने जो सीड की जो क्वालिटी थी उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रखा, सो डेट कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम अच्छे से बढ़ा सके. देन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वर देयर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का वहां पे इस्तेमाल होने लगा. पहले जो खेती बाड़ी होती थी, जो फार्मर्स होते थे वो अपना काउ डंग और जो घर का जो रॉ मटेरियल्स मिल जाता है सब्जी का थ्रू, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही जनरली डिपेंडेंट थे. लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई तो मोर एंड मोर यूटिलाइजेशन ऑफ
मोर एंड मोर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का यूज, ये सारी चीजें होने लगा। जो हम अपने इरिगेशन का जो प्रोडक्शन था, मेथड था, वो हमने डैम्स के थ्रू किया कि हम डैम्स का लगा के, कैनाल्स का लगा के हम अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने लगे ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोडक्शन कर सकें, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो हम ट्यूबवेल वगैरह यूज कर सकते हैं। ट्यूबवेल हुए, कैनाल्स हुए, मशीन्स और हाईटेक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगा। और ये हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहले कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो हमारा अर्निंग भी इंक्रीज हुआ। तो हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सच में एक क्रांति की तरह था, जिसने कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वहां पे ग्रीन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बाउंस कर गया और हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही फ्रूटफुल हुआ था। तो ये तो हुई थी स्टोरी कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से इंडिया में आया और किस तरह से उसने काम किया। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका कुछ डिसएडवांटेज ये था कि ये सक्सेसफुल तो हुआ नो डाउट, बट इट वॉज सक्सेसफुल ओनली इन फ्यू पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ओके, फॉर द फ्यू स्टेट्स इट वॉज वेरी मच सक्सेसफुल, बट इट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। वाई? बिकॉज दिस ग्रीन रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड हाईटेक टेक्नोलॉजीज, हाईटेक मशीन्स, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, हाई यील्डिंग फील्ड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, विच द इंडियन फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिड नॉट हैव। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इतनी वो महंगी महंगी चीजें, इक्विपमेंट को वो इस्तेमाल कर सके। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज वॉज दैट कि वेन वी वर देयर कि दिस लैंड इज मोर सूटेबल, इफ यू से that this piece of land is more suitable for wheat, okay, and we are going to grow wheat again and again and again and again on the same piece of the land, then its fertility go on decreasing, uski jo fertility hoti hai wo bar bar decrease hone lagti hai aur us cheez ko hum bar bar istemal nahi kar sakte. Let me tell you some of the facts and figures also. Jab hamara हम लोग इस टाइप के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम लोग की लाइफ स्टाइल बहुत ही इजी गोइंग हुआ करती थी। एट दैट टाइम जो हमारा जो सॉइल है, जो सॉइल की में जो कंटेंट होते हैं अवेलेबल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो साइंटिफिक स्टडी होती है कि किस तरह से उर्वरक की जांच कराई जाती है, सॉइल की जांच कराई जाती है, तो जो हमारे सॉइल में जो जिंक कंटेंट है, पोटेशियम कंटेंट है, ये सारी जो हम लोग को अपने सॉइल में ऑलरेडी मिलता है, उसके थ्रू हम अब फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारे फीड का प्रोडक्शन या किसी भी चीज का प्रोडक्शन डेली बाय डेली इंक्रीज होता है। वो जो लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग पहले खाते थे कि दाल रोटी खाएंगे, साग रोटी खा रहे हैं, साग दाल चावल सब्जी रोटी जो मेन कंटेंट है, फिर भी लोग इतनी बीमार नहीं पड़ा करते थे। अगर आप अपने दादी नानी की बात सुनेंगे, उनमें होता है कि हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होती थी, आजकल की जनरेशन है और बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगी है। ऐसा नहीं हुआ करता था हमारे जमाने में, क्यों नहीं होता था? क्योंकि जितना हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वहां पे पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, ना ही उनके पास हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई था कि इतना प्रॉपर डाइट और ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, इतना लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, मनी भी नहीं था। ठीक है, तो जो भी मिलता था देवर ईटिंग, बट देवर their lifestyle, their physically, they were much, much stronger than what we are today. What was the reason? The reason was that the soil content. ठीक है, जो सब्जियां पहले उगाई जाती थी वो आज भी उगाई जा रही है, लेकिन जो नेचुरल कंटेंट है वो डिक्रीज हो चुका है। Why it is decreasing? ये जो हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा देता है एक सीजन का, बट वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है अल्टीमेटली वो उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जो काउडन होता है, हमारे घर का जो वेस्ट निकलता है, उसमें आप अर्थवॉर्म को डालिए और कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं उसका डालिए, और
खुद से मैन्यूर प्रिपरेशन करिए, ठीक है, और उसके आप यूज करिए एज अ मैन्यूर। लेकिन ज्यादातर हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, और ये सारी जो प्रोडक्शन करती है थोड़े समय के लिए तो हमें प्रॉफिटेबल होता है, बट अल्टीमेटली इट इज हैम्परिंग द हेल्थ ऑफ पीपल इनोसेंट लाइक मी एंड यू। ओके, तो उसमें क्या होता है कि वो यू ऑल मस्ट हैव सीन इन द टेलीविजन ऑल्सो कि हाउ दे आर इंजेक्शन लगा देते हैं लौकी के अंदर और रातों रात लौकी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना। केले का प्रोडक्शन इस वजह से कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी केला पक जाता है, आम पक जाता है, बहुत ही छोटे समय में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो फलों नेचुरली पकने का उसके अंदर जो कंटेंट होता है और रातों रात आप उसको एक दिन में पका दीजिए, तो सोचिए वो जब अल्टीमेटली जब हमारे स्टमक में जा रहा है तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो हमारी हेल्थ को इससे नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये सब क्या होता है, बेशक हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं, हमको तो लग रहा है हम फ्रूट खा रहे हैं, और फ्रूट्स में एप्पल के ऊपर वो प्लास्टिक से लगी होती है, कुछ भी है जो प्योर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, दीज आर द रीजन। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा, हम लोग कहते हैं ना अभी उन्होंने पढ़ा कमर्शलाइजेशन, जब एग्रीकल्चर का ही कमर्शलाइजेशन हो जाता है, जब खेती बाड़ी जब उससे बाहर निकल जाती है, पैसा हर जगह चीज आ जाता है, तो एवरीथिंग बिकम्स कंटामिनेटेड। ये भी एक टाइप का पोल्यूशन ही है जो फैल रहा है, और वो किसको हार्मफुल आता है, हम लोगों का। अगर हम दूध की भी बात करें तो वो कौन सा प्योर है, वो दूध के में जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है वो मेन होता है उसको, उसकी हम लोग कहते हैं कि अगर दूध पे है प्रोटीन मिलता है, विटामिन डी मिलती है, लेकिन उसमें कई तरह की चीजों को मिला देते हैं जिसमें उसके नेटने में तो वो सेम एज इट इज दूध जैसे ही लगता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है उसको लैब में भी टेस्ट किया जाता है वो भी आएगा, लेकिन उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है जिससे हमारे टाइल्स बनाए जाते हैं उस कंटेंट को मिला देते हैं, वो चाइना जैसे कंट्री में उसको बैन कर दिया था लेकिन इंडिया में वो चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग अपने देश के अन्नदाता के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द कंडीशन, और इससे हो जाता है डिसएडवांटेज, ठीक है। दूसरे का अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स की कंडीशन आप लोग के क्लास 9 की बुक में एक विलेज की छोटी सी स्टोरी के थ्रू को रिजेंबल किया गया है कि एक छोटा सा विलेज है पालमपुर, उसमें बहुत ही इजीली वो कनेक्टेड है नियर बाय स्टेट से, नियर बाय जो विलेजेस है वहां पे बहुत ही अच्छे से उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, रोड सप्लाई बहुत ही अच्छी है, लोग अपने गांव में प्रोडक्शन करते हैं और उसके प्रोडक्शन को लेकर वो शहरों में जाते हैं, वहां पे अपने सामान को बाहर की मंडियों में वो बेचते हैं, गांव में उनके यहाँ वीट होता है, गेहूं होता है, गुड़ होता है, वो शुगर केन होता है, शुगर केन को वो घर में प्रोसेस करके उसको गुड़ बना के बाहर के बाजारों में बेचते हैं, और इस तरह से लोग अपना जीवन यापन वहां पे करते हैं। तो बहुत ही खुशनुमा सा माहौल है, सब कुछ बहुत ही सो गुड है वहां पर, और लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस ऐसी बताई गई हैं जहाँ पे जो इंडियन कंडीशन ऑफ फार्मिंग ही रिप्रेजेंट करती है। हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग, लेट्स डिस्कस। जैसे वहां पे डिस्कशन हुआ है कि यहाँ पे जो पीस ऑफ लैंड है, फाइन, सो दिस पीस ऑफ लैंड हाउ इट इज यूजिंग, मोस्ट ऑफ द पीस ऑफ लैंड इज इन द हैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो जमींदार है उनके पास है, और वो क्या करते हैं अगर किसी के पास जमीन नहीं है या फिर कोई भी ऐसा किसान है जिसके पास लैंडलेस फार्मर है या फिर उसकी बहुत ही छोटी सी जमीन है, सपोज दिस पर्सन इज देयर, दिस फार्मर इज देयर, और उसके पास एक ही छोटी सी जमीन है जिसमें वो अपना खेती बाड़ी करता है और जीवन रहता है, और उसके अगर तीन बेटे हैं, फाइन, तो ये डिवीजन हो जाता है तीन पार्ट में, तो अगर तीन से चार बेटे हैं किसी के, फिर अगर वो हो गया पार्ट का डिवीजन, अब सबके पास में इतनी छोटी छोटी पीस ऑफ लैंड आई, फाइन, तो हाउ हैप्पी दीज पीपल विल बी, जिनका खुद का जीवन यापन एक फार्म से नहीं चलता था वो उसी पीस ऑफ लैंड पे डिपेंडेंट है। और तो और आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि वो जो जमींदार होते हैं उनके पास अगर कोई एक बार पैसा लेने के लिए चला जाता है तो वो कैसे अपने बीचे सर्कल में उसको फंसा देते हैं, किस तरह से बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन दे देते हैं, ये अपने लोन लिया था हमसे और उस लोन का ब्याज इतना है और वो अभी मूलधन आपका बाकी है, उससे ब्याज से ब्याज पूछते पूछते उसको
चला दी जाती है, भर दी जाती है, या फिर उनका प्रोडक्शन हो चुका है तो आधी जो खेती बाड़ी हुई, जो अनाज हुआ, आधा तो वो मुनीम और जो जमींदार ले गए, ठीक है। और उनके पास अगर कोई घर में बीमार पड़ गया, घर में कोई शादी ब्याह जैसा फंक्शन हो गया, घर में रिक्वायरमेंट हो गई बहुत ज्यादा पैसे की, तो जमीन दे दी जमींदार को और उनके हाथ में अपनी जमीन पे वो खुद की खेती कर रहे हैं, उससे भी जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर जो खुद की जमीन है उसमें आधा जो कल्टीवेशन हुआ ग्रेन का वो ले गए जमींदार एज अ, कि हम लोग नहीं चुकता कर पा रहे हैं तो हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, फिर वो अपना लाइफ स्टॉक है जो उनका बैल घोड़ जो भी है वो भी उनको देना पड़ रहा है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड दिन प्रतिदिन धीरे धीरे और भी खराब होता जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन आप लोगों ने मदर इंडिया में देखा होगा, यही कंडीशन है, उसमें पूरी मूवी दिखा रखी है कि कैसे एक लेडी पूरे अपने बच्चों को पालने की कोशिश करती है, नेचुरल अगर बाढ़ आ गई, आंधी आ गई या फिर सूखा पड़ गया तो पूरी फसल बेकार है, बर्बाद हो गई, तो बिल्कुल वो अपने घर जमीन जायदाद होते हुए भी बहुत ही दर्दनाक कंडीशन हो जाती है, दुख भरी कंडीशन हो जाती है, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो लोग उसका एडवांटेज किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हुई इंडियन फार्मर्स की, जो आज तक बहुत जगह ऐसा ट्रू है, आप लोगों ने न्यूज पेपर में भी पढ़ा होगा, बहुत लोग दिखाते हैं कि कंडीशन ऐसी थी, लोग नहीं चुकता कर पा रहे हैं, फार्मर्स वो लोग सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं, या फिर इतना ज्यादा लोन का बोझ बढ़ गया था, बहुत ज्यादा प्रेशर है, फसल बर्बाद हो गई इसलिए सुसाइड कर लिया, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो रह जाता है, तो ये सब क्यों हो जाते हैं इंडियन में, कंडीशन बहुत ही मिजरेबल इसलिए है कि अभी तक ये जमींदारी सिस्टम भी प्रिवेल करते हैं, उतनी हाईटेक एडवांसमेंट हम लोग में नहीं है, और कुछ लोग जो डिसएडवांटेज लेते हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ डिसएडवांटेज तो है, नो डाउट अबाउट, जो कंडीशन है हमारे यहाँ वो हैव्स और हैव्स नॉट की बहुत ज्यादा है, हैव्स मतलब ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग जिनके पास सुख समृद्धि और जीवन यापन के सारे आलिशान साधन मौजूद होते हैं, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जीते हैं, और हैव्स नॉट्स का मतलब वो होता है जिनके पास दो भक्त की रोटी के लिए भी अन्न बहुत ही मुश्किल से नसीब होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो उनकी अपनी खेती है छोटी बड़ी सी है जो भी है उस पे पूरा परिवार लगा हुआ है, वो अगर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए खेती के लिए हमें साल भर निर्भर करना पड़ता है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई आज खाद देनी है तो पानी देना है तो ये डालना है वो डालना है, यू हैव टू वेट फॉर वन ईयर एटलीस्ट, उसके बाद आप कुछ खाओगे, उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, डिपेंडेंट करना है, तो कंडीशन बहुत ही मिजरेबल टाइप की हो जाती है, तो वो क्या करते हैं दूसरे पे निर्भर करते हैं, आप किसी से लोन ले लिया या किसी से पैसे ले लिए तो उसके लिए भी लाला जैसे लोग होते हैं जो उनका खून चूसते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सिलसिला चलता रहता है, ठीक है, तो ये हो जाता है, और जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो जाती है, तो जो गैप होता है जो कुछ लोगों के पास जो है वो पैसा वो क्या करते हैं भाई हमारे पास है या तो हम दूसरों को लोन दे देंगे, या फिर जो हमारे पास है हमने कल्टिवेशन किया अच्छा हुआ हमने कल को उसको और भी आगे बढ़ा दिया और वी आर अर्निंग मनी थ्रू इट, तो जो सो एंड सो फार्मर्स होते हैं उनकी तो अर्निंग अच्छी हो जाती है, लेकिन जो कंडीशन हैव्स नॉट्स की होती है उनकी कंडीशन बद से बदतर हो जाती है, कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स में ये होती है कि बेशक सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है लेकिन वो अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर कहीं जाकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन क्यों हो जाती है, कोई भी बेटा माँ से दूर ना होता अगर दो वक्त की रोटी कमाने का जुनून ना होता, सब कुछ घर बार पे छोड़ के वो दूसरे स्टेट में जाके रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं तो लेबरी कर रहे हैं या फिर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मशीन बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, डैम्स के नीचे रह के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो क्यों हो रही है, कंडीशन इंडिया की जो कुछ लोगों की कंडीशन तो भाई बहुत अच्छी है, सब कुछ हो जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से भी बोलो लाखों कमा ले रहे हैं, और जिनके पास नहीं है जिसको हम लैंडलेस फार्मर्स कह सकते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो काम की तलाश में या तो दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं या फिर उसी जगह पे रह के कुछ ना कुछ काम करने में दूसरे पे डिपेंडेंसी लगी रहती है, ठीक है, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि किस तरह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं यूपी बिहार के बॉर्डर को, पैदल से अपनी पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं और अपने स्टेट में आने के लिए मजबूर है, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि
जो कंडीशन है, दे नीड डेली ब्रेड, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए उनको यहां से जाना पड़ता है. बट द कंडीशन ऑफ दिस ग्रीडी जमींदार भी, सब लोग ग्रीडी नहीं होते, बट जो जमींदार जो उसमें पैसा ले लिया तो लोन दर लोन, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ब्याज वसूलते रहते हैं, वसूलते रहते हैं, और जो उसका मूलधन कहते हैं वो तो ऐसे जिस पता है. तो वही सब चीजें हैं जो अपने होते हुए भी, उसी गांव के होते हुए भी वो लोग दूर हो जाते हैं. ठीक है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे हैं, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है. वही अपने लोग जो उनके खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, मजदूरी है, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, अधिया पे लेके काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है. आपकी क्लास 9 की बुक में पालमपुर में भी यही स्टोरी है, जो मिजरेबल फार्मर्स हैं जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि आजकल तो हम फार्मिंग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाईटेक टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. हम पहले खेतों में मजदूरी कर लेते थे, जीवन यापन हो जाता था. टेक्नोलॉजीज है, एक दिन में ट्रैक्टर आके पूरा काम कर देके चला जाता है, वो भी नहीं रहा हमारे पास, है ना. मशीनरी होती है, एक दिन में आता है कुछ काम करके चले गए. लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ये सब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता है. सीड का हुआ, तो ये जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हाईटेक चली जाती है. ठीक है, तो ये जो ऐसी हुई कंडीशन हमारे इंडियन फार्मर्स की, ये तो हुए कारण. अब इसका निवारण क्या हो सकता है, हम लोग आगे जाते हैं. In the previous lecture, we have discussed about how the miserable condition of the farmers was there, how their condition was becoming worse to worse. So, let's find out the solution of all the problems which we have discussed, so that they don't have to be more dependent upon the zamindars on which they have to be years after years. They are just giving all of their production to the zamindars for getting their own land. They have to ultimately, they were working on their own land and getting the wages for it. Okay, so let's find out the solution for it, in which our Indian government had also played a very important role to sort out all these problems. So let's see how. First one is animal husbandry. Animal husbandry means the rearing of livestock. Okay, livestock, if we are rearing the livestock, we are getting so many things in return. Like if we are rearing cows and buffalo, then in return we are getting the milk, and we buy that milk, we can open our dairy. And you must have noticed, or you must be knowing about Amul. Okay, Amul doodh peeta hai India. So what is this? This Amul has provided employment to lakhs and lakhs of farmers. How? What they have done, the raw material for Amul is milk, we all know. So now what they have done for their raw material, they have had a contract with the farmers who were rearing their livestock, aur wo unse milk lekar apne factories mein, they used to take it and they used to use it as a raw material, process it. They have made Amul ice cream, curd, everything they are making. So how this is possible? It is through animal husbandry and coordination of farmers and the industries, how they are joining their hands together, and both of them, the companies are getting their raw materials, and in return the farmers are getting money for the production. Apart from milk, the cow dung can be used as a manure, for organic farming it is used for manure, and for cooking purpose also. In traditional chulas it is used for cooking also. For medicinal purposes, we all know that cow's milk, cow dung, गौमूत्र कितने सारे रोगों के निवारण के लिए भी यूज किया जाता है. तो कई आयुर्वेदिक मेडिसिंस बनाने के लिए दीज थिंग्स आर बीइंग आल्सो यूज्ड. सो मीट, वी ऑल नो दैट मीट का प्रोडक्शन, मिल्क का कल्टीवेशन, ये सब यूज किया जाता है फॉर कंजम्पशन. अपार्ट फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क एंड मीट जो हमारे मिल जाते हैं, जो सींगे होती हैं एनिमल्स की, जैसे कि हाथी के दांत बहुत ही पॉपुलर होते हैं, उससे डेकोरेटिव चीजों का भी बनाया जाता है. उसके जो लेदर मिलते हैं, हाथी के नहीं एनिमल्स के जो लेदर मिल जाते हैं, उसके स्किन से लेदर का चीजों का सामान बनाया जाता है. और भी कई सारी चीजों का प्रोडक्शन इज बीइंग डन व्हेन द एनिमल्स, जब वो जिंदा रहते हैं तभी भी इंसानों के काम आते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तभी भी इंसानों को नहीं बख्शता. उसके भी कई कई चीजों का वो उपयोग जो है, कहीं डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए, कहीं लेदर बनाने के लिए, और उसके ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं.
wool. We all know that for wool we are dependent upon ships. Baba Black Sheep, हम लोग बचपन से रटते आए हैं, तो क्या है वो ship के लिए हम लोग dependent है और उसके लिए rearing भी किया जाता है animals को, तो that production of garments उसके हम लोग we are it is being used for woolen clothes, carpets and blankets are being used, are being made. So it apart from these things, there are certain type of specialized sciences there for which the main ingredient or the main raw material is agricultural product, और उसको हम एक employment के जरिए से भी हम लोग देख सकते हैं ताकि employment का भी एक जरिया बन सकता है. The cultivation on the large scale when the cultivation of grapes is done, then it is called viticulture. ओके उसमें द वेट ग्रेप्स एंड देन उसके फिर वेट ग्रेप्स का प्रोडक्शन करके दैट इज बीइंग यूज्ड इन द फैक्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स बियर मेडिसिन एंड सो ऑन दैट इज नोन एज विटीकल्चर. वी पीपल से स्टडी अबाउट पिसिकल्चर मीन ब्रीडिंग ऑफ शिप्स. अब एक पॉन्ड जैसा होता है उसमें शिप्स वो फिश को लाके रख देते हैं और उसमें उनका कल्टिवेशन होता है, उसमें मल्टीप्लाई करते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं और उसको मार्केट में सेल आउट करके पोल्ट्री वो पिसिकल्चर हम उसका कहते हैं. इट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग. ऐसी चीजें दैट कैन बी ओपन इन एनी वेयर द फार्मर्स. नाउ दिस फार्मर्स डोंट हैव टू गो टू अदर प्लेसेस फॉर देयर वर्क इन सर्च ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. दे कैन बी एट देयर होम एंड टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम वेयर दे कैन वर्क फॉर देयर डेली ब्रेड. देन सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वर्म. जो मलबेरी बिट्स के ऊपर जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़े बहुत ही फेमस होते हैं, तो उसमें सिल्क का प्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज सेरिकल्चर. ये सारे जो कल्चर्स होते हैं दैट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द एटमोस्फेरिक प्रेशर कि जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन हो सकता है वहाँ पे सेरिकल्चर कर लेंगे, जहाँ पे ग्रेप्स का उत्पादन हो सकता है दैट मीन्स ग्रेप्स प्रोडक्शन कैन बी डन. देन इज हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स. द फ्रूट्स विच इज एज अ रॉ मटेरियल इज यूज इन jams, jellies and making so many things. So that can be used and that's production is known as sericulture. Then horticulture for the olive syrup, हम लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसी का खेती जब की जाती है लास्ट स्केल पर, फिर हम उसको ऑयल के यूज रहते हैं इस्तेमाल करते हैं. और भी grapes and shrubs के बारे में हम लोग cultivation करते हैं और उसको जानते हैं. apiculture means मधुमक्खी पालन या फिर हनी बीज का प्रोडक्शन किया जाता है. एक डब्बा जैसा होता है उसके अंदर हनी बीज का को यूज किया जाता है, फिर वो आके ले करते हैं वहां पे एग और उस हनी को बहुत सावधानी से निकाल के उसका इस्तेमाल किया जाता है. बहुत ही स्मॉल स्केल, बहुत कम जगहों पे भी इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज टू बी डन. फ्लोरिकल्चर मीन्स फ्लोरी मीन्स फ्लावर्स. वहां पे फ्लावरों की खेती हुई होती है. फ्लावर्स हमारे जैसे कि आप लोग कभी डिओडोरेंट बनाते हैं, डिओ बना रहे, सेंट बना रहे, परफ्यूम्स बना रहे, पाउडर बना रहे, तो उसमें ये डेकोरेशन का भी काम करती है और ये सब इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर ऑल दीज काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज. सेरिकल्चर में कंजर्वेशन करते हैं हम लोग, कंजर्व करते हैं ट्रीज का और डेवलपमेंट करते हैं हमारे फॉरेस्ट का, बिकॉज वी ऑल नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन. अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा देन वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव. फॉर दैट पर्पज वी नीड टू हैव फॉरेस्ट. सो इट इज मेन कल्चर इज रिलेटेड टू production and development and conservation of more and more plants and trees and forests. Viticulture is practiced in the generally in the southeastern part of Asia. Horticulture is used for the production of vegetable on a large scale. There are many and many cultures and all these are agriculture and its aligned activities where can say ki humne agriculture ke bare mein bhi jana. और एग्रीकल्चर की जो हमारी इंडिया की कंडीशन है अबाउट द इंडियन फार्मर्स वी हैव केम टू नो अबाउट इट एंड वी हैव आल्सो फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि हम अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि भाई लैंडलेस फार्मर्स हो जाते हैं, सीजनल वर्क होता है, येट द इंडियन कल्चर इंडियन एग्रीकल्चर वी कैन से इट इज अ लेवल ऑफ मानसून कि अगर बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ, अगर बारिश नहीं हुई तो हम खेत खलिहान जो हुई सूख जाते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल है इफ how we are managing our time, how we are channelizing it, how we are pre-planning it in, and how we can develop it. Because most of the Indian people are yet dependent upon agriculture. So what we need to do, there is a need and requirement that there has to be a coordination between science and farmers. If our scientific research has been done, that how the
productivity of the soil can be increased day by day, and it will be more and more productive for the farmers also and for the scientists also, because the climatic condition which is there in India, yet now the Americans are being realizing that yes, this tulsi and ashwagandha are very much important. These are very hygienic product as far as immune system is concerned. Neem is so much of common in India. In every courtyard we are going to have one or two neem tree and tulsi trees. But what is happening in now, they want that Americans and the Western countries, they want that they should be importing neem tree from India, because they are also knowing the medicinal value of it. So if we are blessed with such a nice atmosphere and figures, so we should be amazed enough and we should be utilizing it and taking the advantage of all the government schemes, where government is also taking initiative, where more and more people should be getting employment, more of the Indian youth are should be self-dependent enough so that they can open up their small or tiny industries, and with the help of government schemes like NABARD are there, to which provide loans at a easy, very low rate of interest. So we need that people should be more and more aware about it. So yeah, here we come to the end of the chapter in your class 9 book of village palm case study has been discussed. उससे भी इस तरह से बताया गया कि किस किस तरह की कंडीशन है, लोग मंडी में जाके सामानों को बेचते हैं और किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, जो अब वो एक विलेज की कम्युनिटी में इंसान क्या कर सकता है, अपने घर पे छोटी सी जगह बाकी है, दे हैव स्टार्टेड अ स्मॉल जनरल स्टोर एट देयर कोर्टयार्ड एट सर, ठीक है, या फिर शो मेकिंग का काम कर लेते हैं, घर में बैठी हैं लेडीज तो वो आके एम्ब्रॉयडरी का काम कर लेते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम जो भी हो पाता है, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट देने का नजरिया है और एक जरिया है जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, ठीक है। तो और जैसे कि लोगों का अगर हम बाहर नहीं जा रहे तो वहाँ पे जो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग करनी या फिर पॉट्स बनाना, जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू वो चीजें चली आ रही, हम उसको किस तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। वी नीड दैट वी शुड बी प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग आवर कल्चर, डजंट फॉरगेट दैट इन गेट वी आर हैविंग अ मोस्ट अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर फॉर डेवलपिंग सो मेनी थिंग्स, सो वी शुड बी रेजिंग हैंड टुगेदर फॉर डेवलपिंग आवर एग्रीकल्चर एंड टेकिंग इट टू द न्यू हाइट्स। थैंक यू वेरी मच।